अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हों, हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ नाश्ते में साग वाला पराठा। आप लोगों ने मूली वाला पराठा, आलू वाला पराठा, गोभी वाला पराठा तो खाया होगा। ये कम लोग साग वाला पराठा बनाते हैं, बहुत मज़े का बनता है। बनता उसी तरीके से है, उसी तरह बनता है। ये दो पेड़े बनाने होते हैं और इस दरमियान में साग रख के, तो उसी तरह ही बनता है। तो बड़ा मज़े का ये पराठा होता है। कल मैंने साग वाली वीडियो अपलोड की है, आप वो भी ज़रूर देखें। तो आज मैंने कहा आपके साथ है नाश्ते में साग वाला पराठा शेयर करती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और बना के फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। ये मैंने साग लिया है, वो दो पेड़े मैंने बना लिए हैं, ये मक्खन है, मक्खन मैंने घर में बनाया और इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी चलें जी, अभी शुरू करते हैं साग वाला पराठा। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, अभी शुरू करते हैं। ये पेड़े मैंने बनाए हुए हैं, तो देखिए मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसमें साग रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साग अगर आपको थोड़ा पसंद है थोड़ा रख लें, ज़्यादा आप पसंद करते हैं ज़्यादा रख लें, लेकिन कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लगता, कुछ हो तो फिर ही पराठा अच्छा लगता है। अभी आप देखिएगा कैसा बनता है। ये सारी चीज़ें सर्दियों की सौगात हैं, सर्दियों में तो ये बहुत चलती है ना, बच्चे खुश होकर नाश्ता करते हैं, बच्चे बड़े सब खुश होकर ये चीज़ें पसंद करते हैं, खाते हैं और नाश्ता बहुत। ये ले जी, मैंने रख लिया साग, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं। अगर आपको कम पसंद है कम रखें। अब इसके दरमियान में हम थोड़ा ये मक्खन रख लेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बहुत अच्छा जो टेस्ट आएगा। अब इसको हमने अंदर से फिल कर लिया। ये अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको हम ऐसे सारी चारों साइडों से हम इसको अच्छी तरह बंद कर लेंगे ताकि साग बाहर ना निकले, रोटी बनाने में कोई मुश्किल ना आए और अच्छे से बन जाए। ये देखे मैंने ये पराठा बना के तवे पे डाला है, अभी पक जाता है। बहुत ऐसे पतला सा मैंने बनाया है। आप जरूर ये आप लोगों ने ट्राई करना है, पराठा किस तरह का लगता है। नहीं अभी ये खुशक हो गया थोड़ा, अब मैं इस पे घी लगाऊंगी। ये घी लगा के अब इसको भी मैं साइड बदल लूंगी इसमें। पक रहा है जो साग बनाया है उसको कभी आपने जरूर बताना है, अच्छा बना है कैसा बना है। अभी इस साग वाले पराठों का भी बताना है। ये देखें बहुत अच्छा बन रहा है पराठा। ये देखें बहुत अच्छा बन रहा है। ये देखें जी, एक साइड कितनी अच्छी बन गई है, एक साइड हो गई है पराठे की। अभी हम दूसरी भी अच्छी तरह पका लेंगे। बहुत अच्छी है, बन गए।
ये देसी घी से अच्छे बनते हैं पराठे। पराठे का मज़ा ही देसी घी से आता है। देसी घी का पराठा बना के तो फिर मक्खन रख के खाएं, बच्चे बड़े, तो कोई मसला नहीं है, अच्छे हैं। अभी वो साइड हो गई है ये वाली, ये भी बस पक गई। ये देखें जी, ये भी सारी साइड हो गई है, ये भी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, बहुत अच्छा पराठा बन गया। ये देखें जी माशाल्लाह, गर्मा गर्म साग वाला पराठा तैयार है और मक्खन पिघला जा रहा है, साथ लस्सी है। कुछ लोग लस्सी पसंद करते हैं, कुछ चाय पसंद करते हैं, चलिए हमें तो लस्सी साथ अच्छी लगती है, तो ये साथ लस्सी है, साग वाला पराठा विद लस्सी। इंजॉय करें, आप भी बनाएं और बताएं कि ये कैसा होता है, कैसा लगता है आपको। ठीक है जी, आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ये हमारी वीडियो ज़रूर देखें, सारी एंड तक देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, जब ताकि जब हम जो भी नई वीडियो बनाएं वो अपलोड करें, आप तक वो पहुंचे और हमारी हौसला अफजाई करें। ठीक है जी, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।